एक तरफ जहां संयुक्त किसान मोर्चा ने एमएसपी समेत सभी मुद्दों पर सरकार से बातचीत के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, तो वहीं दूसरी तरफ 7 दिसंबर को आगे की रणनीति बनाने के लिए एक बैठक बुलाई गई है। तो वहीं आपको बताएं कि कुंडली बॉर्डर पर मुख्य मंच के पास 7 किसानों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इन किसानों का कहना है कि उन्हें एमएसपी पर कमेटी नहीं चाहिए, बल्कि वो गारंटी कानून बनने के बाद ही वापस लौटेंगे। वो 7 दिसंबर तक भूख हड़ताल करेंगे और इसके बाद संयुक्त मोर्चा के फैसले के बाद अगला जो फैसला होगा वो लिया जाएगा। भूख हड़ताल पर बैठे किसान सतनाम सिंह, विक्रम सिंह, राजेंद्र सिंह, नरेश सांगवान ने बताया कि उन्होंने खुद को बेड़ियों में बांध रखा है, जिससे वो सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि वो 200 सालों से किसान गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन सरकारों ने उनके लिए कुछ नहीं किया है। एक 14,000, 15,000, 20 लाख करोड़ रुपए लेकर दूसरे देश में जा बैठता है, उसका तो कर्जा माफ। एक किसान बेचारा 1 लाख रुपए का डिफॉल्टर हो जाता है, उसकी कुटकी। ये सर छोटू राम ने हमें थोड़ा जीने का टाइम दिया था और इस किसान मोर्चे से हमें यही उम्मीद थी अगर हमारी बेड़ियां किसान मोर्चा खोल लेगा। क्या 7 तारीख को बेड़िया खुल सकती है आपकी? हाँ जी। क्या आने वाली 7 तारीख की मीटिंग में आपकी बेड़िया खुल सकती है? देखो जी, वो तो परमात्मा बताएगा, हमें तो नहीं पता उस बात का, वो मालिक बताएगा। किसान मोर्चे के हाथ में, वो तो किसान मोर्चे का हाथ में है हमारी बेड़िया, तो अब खोल दो। हमने कोई फांसी टूटने की बोर है, भूखा मरने की बोर है। भूखा तो मैं वो मरेगा जिसका दाने नहीं होंगे, मरे तो दाने भी है। एमएसपी पर लड़ाई चल रही है, तो हम अब भी किसानों के साथ है, संयुक्त मोर्चे के साथ है, पर लग से प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं लग रहा शायद कोई कमेटी बन जाए, शायद समझौता हो जाए, उस तरह में वापस जाना पड़े। पर हम यहाँ एमएसपी की गारंटी लेने आए थे, एमएसपी की गारंटी लेके जाएंगे। कमेटियाँ बनती रहती हैं और सुनवाई नहीं होती है, आम जनता पिसती रहती है। आम जनता की यही मांग है कि कमेटी ना बनके और जो एमएसपी की गारंटी 1 साल से संयुक्त मोर्चे के द्वारा यहाँ स्टेज से बोला जाता है वो एज इट इज रहे और एमएसपी की गारंटी लेकर ही हम घर वापसी जाए। जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से 5 सदस्यीय कमेटी बनी है, क्या आपको उन पे विश्वास नहीं है? नहीं, विश्वास की बात नहीं है, लेकिन अगर वो एमएसपी की गारंटी के ऊपर अपनी पूरी सहमति जता के एमएसपी गारंटी का कानून लेके जाते हैं साथ हमारे पंजाब और पूरे देश को देते हैं, तो हम उनके साथ हैं। अगर वो भी ये कहते हैं कि नहीं हम कमेटी बना देते हैं, बाद में फैसला होता रहेगा, तो हम